भ्याम भूया शकुं सुवर्चा मुकरदो अंते देवा जत्राधशग्राजानि पराशुवा जलभद्रं तन्ना। भूमि पूजन की ये तस्वीरें सैफई से सामने आ रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पूरा यादव परिवार इकट्ठा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में उनके स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सैफई में इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सपा अध्यक्ष परिवार के सदस्यों के साथ नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ स्मारक के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सपा संरक्षक की जयंती के अवसर पर उनके समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया और एक बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई। अखिलेश यादव ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ चाचा शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के कई करीबी सदस्य मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने मंत्रोच्चारण के बीच स्मारक के लिए पहला फावड़ा चलाते हुए खुदाई की। इसके बाद चाचा रामगोपाल यादव ने फावड़ा चलाते हुए भूमि पूजन की प्रक्रिया को पूरा किया। इस अवसर पर देश भर से तमाम सपा कार्यकर्ता सैफई पहुंचे। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 25,000 से अधिक लोग पहुंचे हैं। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की याद में बनाए जाने वाला ये स्मारक विश्व स्तरीय होगा। आइए जानते हैं कि नेताजी के स्मारक की खासियत क्या क्या है। ये स्मारक 8.3 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। स्मारक की भव्यता बढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ जमीन में सुविधाओं से लैस पार्क बनाया जाएगा। स्मारक की रूपरेखा में लोक कला की झलक और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें नेताजी के बारे में जानने को मिलेगा। मेमोरियल में एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। मेमोरियल के ठीक बीच में मुलायम सिंह के कांसे की मूर्ति लगाई जाएगी। नेताजी के जीवन से जुड़ी फोटो गैलरी भी बनाई जाएगी। अमेरिका के वॉशिंगटन DC के लिंकन मेमोरियल के तर्ज पर ये स्मारक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि स्मारक को बनवाने में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस स्मारक को बनाने की घोषणा की थी। इस स्मारक में नेताजी के जीवन की सादगी और लोक कलाओं की झलक देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव के मुताबिक प्रयास रहेगा कि साल 2027 तक ये स्मारक बनकर तैयार हो जाए। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के निधन के बाद अंत्योष्टि के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार ने नेताजी के नाम पर सैफई में स्मारक बनवाने का निर्णय लिया था। इसके तहत ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका भूमि पूजन भी कर दिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।